राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर जयपुर से दिल्ली तक मीटिंगों का दौर जारी है। वहीं अंदरखाने चर्चा है कि जैसे बीजेपी ने अन्य प्रदेशों में सीएम के चेहरे को लेकर चौंकाया है, ऐसा ही चौंकाने वाला चिर परिचित अंदाज राजस्थान में भी देखने को मिलेगा। फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है। गुरुवार देर रात वसुंधरा राजे जहां वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन करने दिल्ली पहुंची थीं, तो वहीं राजस्थान में सीएम पद को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। वसुंधरा के बाद जिस नाम की सबसे ज़्यादा सीएम पद को लेकर चर्चा हो रही है वो है बाबा बालकनाथ का। तिजारा से नवनिर्वाचित विधायक बाबा बालकनाथ ने गुरुवार सुबह बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम माथुर से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने अपनी सांसदी से इस्तीफा दे दिया। अब बाबा बालकनाथ का सांसद पद छोड़ने के बाद ये साफ हो गया है कि राजस्थान सरकार में उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। यहाँ पीएम मोदी के चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़ा गया और चुनाव से पहले सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया गया। ऐसे में 199 सीटों में से बीजेपी के खाते में 115 सीटें आई हैं, लेकिन अब तक बीजेपी सीएम के नाम का ऐलान नहीं कर सकी है। माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे के साथ गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्विनी वैष्णव और सीपी जोशी का नाम भी सीएम की रेस में बना हुआ है। शाही घराने से नाता रखने वाली वसुंधरा राजे बीजेपी की कद्दावर नेता हैं और पार्टी के अंदर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। हालांकि इस बार वो सीएम के दावेदार पार्टी की ओर से घोषित नहीं की गई हैं। ऐसे में इस शीर्ष पद के लिए एक बार फिर वसुंधरा राजे समेत कई नाम आगे चल रहे हैं। भाजपा के संस्थापक नेता विजय राजे सिंधिया की बेटी और दिवंगत कांग्रेस नेता माधवराव सिंधिया की बहन वसुंधरा राजे ने 1984 में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, इसकी युवा शाखा के उपाध्यक्ष के रूप में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया और धौलपुर से विधायक के रूप में चुनी गई थी। साल 2003 में जब राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी तो वसुंधरा राजे राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद साल 2013 में दोबारा राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी थी। राजे 3 बार राज्य विधानसभा के लिए और 5 बार लोकसभा के लिए चुनी गई हैं और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में मंत्री भी रही हैं। राजे ने झालरापाटन सीट से 53,000 से ज़्यादा मतों से जीत हासिल की है। ऐसे में वो सीएम की रेस में सबसे आगे बनी हुई हैं। हालांकि पार्टी नेतृत्व के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं। जैसलमेर में 3 अक्टूबर 1967 को जन्मे गजेंद्र सिंह शेखावत वर्तमान में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हैं। साल 2019 में गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर लोकसभा सीट से अशोक गहलोत के बेटे वैभव को हराकर सभी को चौंका दिया था और केंद्र में मंत्री बनाए गए थे। गजेंद्र सिंह शेखावत को वसुंधरा राजे का धुर विरोधी माना जाता है और वो पीएम मोदी के करीबी नेताओं में से एक हैं, क्योंकि वो लगातार गहलोत सरकार पर तीखे हमलों की बदौलत चर्चा में बने हैं। उन पर गहलोत सरकार को गिराने की साजिश का भी आरोप लगा था। ऐसे में माना जा रहा है कि शेखावत को भी राजस्थान का सीएम बनाया जा सकता है। मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मुख्यमंत्री की रेस में बने हुए हैं। ब्यूरोक्रेट से राजनीति में आए अश्विनी वैष्णव अभी राज्यसभा सांसद हैं। वो केंद्रीय नेतृत्व के काफ़ी करीब हैं और उनकी छवि भी साफ सुथरी है। ब्राह्मण होने की वजह से बीजेपी वैष्णव को सीएम बना सकती है। अश्विनी वैष्णव 1994 बैच के ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। उन्होंने ओडिशा के बालासोर और कटक जिले के डीएम के तौर पर काम किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय पीएमओ में उपसचिव नियुक्त किए गए थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री कार्यालय छोड़ा तो अश्विनी वैष्णव ने उनके निजी सचिव की भूमिका निभाई थी। चित्तौड़गढ़ से लोकसभा सांसद चंद्र प्रकाश जोशी के नेतृत्व में बीजेपी ने राजस्थान में प्रचंड जीत हासिल की है और वो केंद्रीय नेतृत्व के काफ़ी करीब हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी को प्रतिद्वंदी गुटों को साथ लाने और एकजुट अभियान तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। यही वजह है कि चुनाव के पहले उदयपुर दौरे के दौरान पीएम मोदी भी उनके काम की सराहना कर चुके हैं। मेवाड़ क्षेत्र से नाता रखने वाले जोशी की संघ परिवार से काफ़ी अच्छे संबंध हैं और वो कम बोलने के लिए भी जाने जाते हैं। सीपी जोशी ऐतिहासिक अंतर के साथ लगातार 2 बार सांसद बनने वाले इकलौते उम्मीदवार हैं। तो इस तरह से राजस्थान में जो तीसरा नाम सीएम के दौड़ में आगे है वो है सीपी जोशी का। लेकिन वसुंधरा राजे और बाबा बालकनाथ का नाम सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहा है। अब देखना यह है कि सीएम की इस रेस में बाजी क
कौन मारता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।